हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब और लोगों को ये आगे वीडियो रिकमेंड। आईटेक रिटेल्स अपने कस्टमर्स के लिए एक बार फिर लेके आए हैं एनुअल सेल धमाका, जहां आपको मिलेंगे किड्स वेयर, ब्रांडेड कुर्ती, फैंसी एसेसरीज और एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज अप टू 50% ऑफ। ये सेल 17 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। साथ ही फैंसी स्टेशनरी, वुमेन्स वेयर, प्रीमियम हैंडबैग्स, न्यूबॉर्न अपैरल और गिफ्टिंग आइटम्स। तो दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बार जरूर विजिट कीजिए आईटेक रिटेल एट चाविंद्रा भिवंडी। भिवंडी शांति नगर के माजी नगर सेवक अबू सुफियान शेख पाइपलाइन के पीछे वाली रोड की तरफ से अपने घर की तरफ आ रहे थे। अचानक उनके बाइक के सामने कुत्ता आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में अबू सुफियान शेख ने अचानक बाइक का ब्रेक मार दिया, जिससे सुफियान शेख जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने से सर पर गंभीर चोट लगी और उनका इलाज थाने के जुपिटर हॉस्पिटल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुफियान शेख की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। क्या एमएलए रईस शेख की कटेगी टिकट? भिवंडी शहर में असेंबली चुनाव का माहौल काफी गर्मा सा गया है। वहीं खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में तनाव का वातावरण है। आपको बता दें कि रियाज आजमी और रईस शेख के बीच पिछले 2 साल से मन मुटाव चल रहा है। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या रईस शेख रियाज आजमी के प्रचार में शामिल होंगे या नहीं, जैसे उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में बालियामामा के लिए किया था। गैबी नगर में हुई चोरी। भिवंडी शहर के कई इलाकों में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। वहीं गैबी नगर खान कंपाउंड के नूर जहां अपार्टमेंट में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां देर रात एक चोर ने नूर जहां अपार्टमेंट की गैलरी से छोटे बच्चे की साइकिल चोरी कर फरार हो गया। भिवंडी की रजा एकेडमी एक बार फिर चर्चा में है। रजा एकेडमी की नई बॉडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूर्व प्रेसिडेंट शकील रजा के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद उन्हें रजा एकेडमी से निकाल दिया गया है और अब की बार ईद मिलाद का जुलूस भी वो निकाल नहीं पाएंगे। साथ ही भिवंडी की जनता से रजा एकेडमी ने अपील की है कि कोई भी शकील रजा को जुलूस के नाम पर चंदा ना दे। रई शेख के हाथों से 7 करोड़ के कामों की शुरुआत। भिवंडी ईस्ट एमएलए रई शेख के हाथों से आज अंसारी प्लेग्राउंड से खांडू पाड़ा तक नाले के कस्बे के स्लैब का उद्घाटन किया, जिसकी कुल लागत 5 करोड़ है। साथ ही साथ 2 करोड़ की लागत से खांडू पाड़ा में पुराने हाजी फजलुर रहमान अंसारी शादी हॉल को बिल्कुल नए सिरे से बनाने का काम एमएलए रई शेख के हाथों से किया गया। भिवंडी महानगर पालिका की लापरवाही से आम लोगों का घरों में रहना हुआ दुश्वार। गौरीपाड़ा में पिछले 5 सालों से एक बिल्डिंग जर्जर हालत में खड़ी हुई थी, जिसकी छत आए दिन कभी रातों में गिरती तो कभी दिन में, जिसके चलते स्थानीय लोगों का बेखौफ होकर रहना दुश्वार हो गया था। बार बार लेटर देने के बाद आज मनपा ने इस बिल्डिंग का तोड़ने का काम शुरू किया। 2 लोगों पर बिजली चोरी करने का मामला दर्ज। भिवंडी के चांद तारा मस्जिद के पास वाले स्वप्न अपार्टमेंट में 2 शख्स अपने आर्थिक फायदे के लिए बिजली चोरी कर रहे थे, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने शांति नगर पुलिस को दी। पुलिस ने जांच करते हुए 2 लोगों के खिलाफ 1,81,000 रुपए की बिजली चोरी करने का मामला दर्ज किया। अच्छा पानी पीने को जनता तरसी। जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर के गुलजार नगर इलाके में पिछले कई दिनों से मनपा की पाइपलाइन से पीने का पानी गंदा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ औचित पाढ़ा इलाके में भी पिछले 2 दिनों से पीने का पानी गंदा आ रहा है, जिसके चलते आम लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भिवंडी मनपा से समस्या को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। राम भरोसे चल रहा है मनपा का बेघर निवास केंद्र। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल योजना के तहत भिवंडी शहर में बेसहारा नागरिकों के लिए 3 बेघर निवास केंद्र चल रहे हैं। इसमें से एक केंद्र एसटी बस स्टैंड के पास सहारा बेघर केंद्र के नाम से चल रहा है। हर साल सरकार इन केंद्रों पर लाखों रुपए खर्च करती है, उसके बावजूद केंद्र में रहने वाले लोगों को शहर में दर दर भटक कर भीख मांगनी पड़ रही है। आज सेंसेक्स 231 अंकों की बढ़त के साथ 82,365 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ 25,235 पर हुआ बंद। गोल्ड 72,664 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 83,349 पर और क्रूड ऑयल 6,204 पर ट्रेड करते हुए।